उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेजी से जारी है। इस बीच लोगों के आने जाने के लिए खास फ्लाइट सुविधा भी शुरू की गई है, जिसके चलते अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन किया गया। इस दौरान रनवे पर एयरक्राफ्ट उतारा गया। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त पूरे देश की निगाहें अयोध्या में बन रहे श्री राम लला के मंदिर के शुभारंभ को लेकर है, जहां पर तैयारियां जोरों पर चल रही है। और बता दें आपको कि साल 2024 में 22 जनवरी के दिन इस मंदिर में श्री राम लला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले यात्रियों के आवागमन को आसान बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। पीएम 2 घंटे अयोध्या में रहेंगे। वह यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके अलावा 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए वीआईपी गेस्ट को लेकर करीब 100 प्लेन अयोध्या आने को है। वहीं शाम को भगवान श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल किया गया। एयरपोर्ट के रनवे पर एयरक्राफ्ट उतारा गया। सिविल एविएशन के अधिकारी एयरक्राफ्ट से अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी न्योता भेजा है। हालांकि इस दौरान कई देशों के डेलीगेट्स के भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा ट्रस्ट ने मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे 100 से ज्यादा वीवीआईपी को आमंत्रण भेजा है। ज्यादातर वीआईपी अपने निजी प्लेन या हेलीकॉप्टर से यहां पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है और हर एक चीजों का बारीकी से और खास ख्याल रखा जा रहा है। और सभी को इंतजार है नए साल के उस तारीख का, जब यहां पर भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।